सोनालिका ट्रैक्टर्स के सबसे बड़े शोरूम की सौगात जिले के सम्मानीय किसानों को दी जा रही है। साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रयोग सागर। सागर पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर जेल विभाग में पदस्थ एक युवती ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छेड़खानी जैसे संगीन मामले में युवती के द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने के कारण युवती मानसिक रूप से परेशान है, जहां आरोपियों द्वारा उसे लगातार फोन पर धमकी देकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे परेशान युवती न्यायालय की आस लिए पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में परेशान युवती ने न्याय नहीं मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी पुलिस प्रशासन को दी है। सर, मैं मेरा छेड़खानी का एक मामला जो मैंने 3 तारीख को दर्ज करवाया था सिविल लाइन थाने में, उसी पर कोई कार्रवाई नहीं, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं इसी मामले को लेकर आया। कौन कौन आरोपी हैं इस मामले में? इसमें ये घटना यूटीटी रोड की है, सालचून की। कैसे कहाँ वारदात हुई थी, क्या आपको जानकारी थी, कैसे मिलना हुआ, क्या पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? पुलिस कुछ नहीं कहती सर, यही बोल देती है कि हम देख रहे हैं, फिर भिजाएंगे, टीम भिजाएंगे, और आज दिन तक कोई टीम नहीं भिजाई हुई है, क्योंकि वो रेणु तिवारी चंबल की कमिश्नर मैडम है, उनके भतीजे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये सब मैटर, और एसपी सर भी मुरैना से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि उन्हीं की जानबूझ के कार्रवाई करना नहीं चाहते। अभी क्या कठिनाई जा रही है? बहरहाल इस मामले में जिस प्रकार से न्याय को लेकर पुलिस विभाग के अधीनस्थ आने वाली जेल विभाग की प्रहरी अपनी फरियादी की सुनवाई के लिए दर दर भटक रही है, उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। थाना सिविल लाइन्स में एक अपराध कायम कराया गया था और उस अपराध की कायमी के बाद में विवेचना में है, और इस विवेचना में कई तथ्य आ रहे हैं, जो विवेचक उन तथ्यों को देख रहा है, और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी इसमें उचित निर्देश दिए गए हैं विवेचक को, और जो भी इसमें विवेचना होगी आगे की वो उस पर कार्रवाई करेगी पुलिस। सर, पिंकी का आरोप है कि पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये कहां तक सिद्ध है? पुलिस ने जो भी तथ्य आए हैं वो उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की है, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की हो, और आगे भी हमने उनको अभी भी बोला है कि जो भी तथ्य यदि उनको ऐसा लग रहा है कि जांच ठीक से नहीं हो रही है वो हमारे सामने लेकर आए, और हमारे इनके कहने पर हमारे द्वारा जो विवेचक है उसको भी परिवर्तित कर दिया गया है, तो विवेचना तो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ हो रही है, और इनकी पूरी बात को सुना जाएगा, क्योंकि वो इस केस की फरियादियाँ हैं, और आगे जो भी होगा वो उस केस की विवेचना के बाद ही मैं बता पाऊँगा।